शाहरुख खान के साथ रिसेंटली हैप्पी न्यू ईयर के सेट पर हुआ हादसा। शाहरुख इस हादसे में बुरी तरह से घायल होने से बाल बाल बचे। शाहरुख के सर पर इस इंसिडेंट से आई चोट और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद ऐसी खबरें आई कि शाहरुख पूरी तरह से ठीक है। लेकिन अब जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि शाहरुख की इंजरी छोटी नहीं है, बल्कि शाहरुख को इस इंजरी की वजह से डॉक्टर ने एटलीस्ट 2 वीक्स तक के लिए आराम करने के लिए कह दिया है। साथ ही जूम को एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है कि शाहरुख अपने पार्टनर मोरानीज के साथ मिलकर उस होटल के खिलाफ सूट फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं जहां ये पूरा हादसा हुआ। जी हां, सोर्सेज से मिली इस बड़ी खबर के मुताबिक शाहरुख इस इंसिडेंट को होटल अथॉरिटीज की लापरवाही मान रहे हैं। दरअसल हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग इस होटल में चल रही थी, तभी अचानक होटल का दरवाजा शाहरुख के सर पर गिर पड़ा, जिसके बाद उन्हें चोट आ गई। इस मामले को शाहरुख गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि वो इस 5-स्टार होटल को सू करेंगे। सोर्सेज की माने तो इस मामले में शाहरुख ऑलरेडी अपने लीगल काउंसिल से बात कर रहे हैं और शाहरुख का ये केस काफी मजबूत दिख रहा है। वैसे होटल अथॉरिटीज ने इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन की बात को कबूल नहीं किया है और वो इसे एक मामूली हादसा बता रहे हैं। वैसे शाहरुख के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद कई तरह की बातें हो रही थी। सलमान खान ने अपने अंदाज में शाहरुख के साथ हुए इस इंसिडेंट का मजाक भी बनाया था। शाहरुख खान को जय हो रिलीज होने से एक दिन पहले ही मिला था इंजर होने के लिए। शाहरुख खान को जय हो रिलीज होने से एक दिन पहले ही मिला था इंजर होने के लिए। वेल, इस तरह की बातें भी शाहरुख को परेशान कर रही है। यही वजह है कि इस इंसिडेंट के खिलाफ उन्होंने अब लीगल रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया है। फॉर इलेका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।